ये कि कहा ये जा रहा है कि जिस तरीके से पीपल्स पार्टी ने वजारत उज़्मा देकर शहबाज शरीफ साहब को सदर पाकिस्तान का ओहदा भी ले लिया, चेयरमैन सेनेट का ओहदा भी ले लिया, बलूचिस्तान हुकूमत भी ले ली, गवर्नर्स भी ले लिए, सारे अहम आइनी ओहदे उन्होंने अपने पास रख लिया है और पार्लियामेंट में वो जब चाहें पीएमएलएन की हुकूमत को ख़त्म कर सकते हैं और कहा भी है उन्होंने। अब सवाल ये है कि लोगों ने इसको इस तरह लिया है कि मुस्लिम लीग नून की जो शेर है उसको पिंजरे में बंद कर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने चाबी अपने हाथ में रख ली है, आप एग्री करेंगे सर? देखिए जी, लोगों की हज़ार बातें होती हैं, ये एक निज़ाम है, जमहूरियत है, इसको चलाना है, मुल्क को चलाना है, उसमें पीपल्स पार्टी भी चला रही है, उसमें नून भी चला रही है, बाकी जमातें भी साथ इकट्ठी बैठ के इस मुल्क को चला रही हैं। किसी ने किसी को पिंजरे में नहीं बंद किया हुआ, ना किसी के पास चाबी है, जमहूरी अमल है, उसमें ये काम चलता रहेगा। ये जमहूरियत है, ये आप इसको जमहूरियत, आप इसको जमहूरियत कहते हैं सर? खुदा के लिए इसको जमहूरियत कहते हैं आप? नहीं डॉक्टर साहब, इसमें कहीं कोड़े मार रहे हैं हम, कहीं अदालतों ने पीसीओ का हलफ लिया हुआ है, जमहूरियत ही है ना, मतलब ऐसी जमहूरियत, ये जमहूरियत होती है, ऐसी जमहूरियत इसका पार्लियामेंट चल रहा है, इसकी सेनेट चल रही है, ऐसी जमहूरियत जिसमें पार्लियामेंट में बेशतर लोग हारे हुए पहुंचे हुए हैं सर, तो ये जमहूरियत है सर। ऐसे लोग जिनका पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है उनको जिताया गया है, ये जमहूरियत है सर? ऐसे ऐसा ऐसा ऐसे ऐसा पाकिस्तान ऐसा? अच्छा मैं एक बड़ा क्लियर सवाल पूछता हूं सर कि क्या अगर इस मौके पे जो बहुत बड़ा चैलेंज है पाकिस्तान को, और 2013 से 17 तक एक शख्स ने जिसका नाम इसहाक डार है, जिसका नाम मियां नवाज शरीफ है, जिसने साबित किया कि पाकिस्तान को मौशी तौर पर हर लिहाज से मजबूत किया, आज क्या इसहाक डार की मईशत को ज़रूरत नहीं थी और मियां नवाज शरीफ साहब की हुकूमत को ज़रूरत नहीं थी सर? देखें जी, ये जहां भी बैठे हुए हैं पाकिस्तान की खिदमत कर रहे हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।